तो आज मैं आपको बताऊंगी डबल कलर ब्लाउज कैसे बनाना है। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो देखिए मैंने ब्लाउज कट कर लिया है और ये हमारा डिजाइनर सीफोन का कपड़ा है और ये मैंने पट्टो क्लॉथ लिया है जो कि मैं यहाँ पर नीचे डालूंगी और जो ऊपर रहेगा तुम्हारा ये क्लॉथ रहेगा डिजाइनर। तो सबसे पहले हम इसी में नेक कट कर लेते हैं क्योंकि इसमें तो हमको लाइनिंग नहीं देना है, विदाउट लाइनिंग बनाना है। ब्लाउज का साइज 40 है और शोल्डर मैंने 16 इंच लिया है। तो अभी आपको इसमें डिजाइन बताती हूँ। तो देखिए हम 4 इंच ऊपर ले लेंगे और 4 इंच से पहले हम ऊपर का नेक का ड्रॉ कर लेते हैं जो कि हम 3 इंच ले रहे हैं और इसमें 1.5 इंच की गोलाई कर देंगे। इसके बाद आप देख लें कि आपको कितना डीप और नेक चाहिए। तो आपको शोल्डर से लेना है, जैसे मैं इसको 11 इंच और ले रही हूँ शोल्डर से, टोटल लेंथ है। और इस तरह से हमने एक लाइन खींच लेते हैं 4 इंच तक ही। तो देखिए ये मैंने इस तरह से यहाँ पर निशान लगा लिया शोल्डर से नेक की गहराई और उसके बाद यहाँ पे हम 1/2 इंच छोड़ देते हैं। और उसके बाद हमारा यहाँ का सेंटर लेते हैं, जैसे ये 7 इंच आ रहा है तो हमारा ये 3 इंच का एक सेंटर ले लें। 3 इंच के सेंटर को हम 1.5 इंच तक एक ड्रॉ कर लेते हैं लाइन। ये इस लाइन को भी हम 1.5 इंच तक ले लेते हैं और नीचे पूरा एक लाइन 1.5 इंच का ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ से लेके इस तक और इससे यहाँ तक नीचे तक गुलाई देनी है अभी। तो देखिए ये हमने कट कर लिया है। अगर आप इसको बैक ओपनिंग रखना चाहते हैं तो जो ये पीस है इसको हम कट कर देंगे। अगर आपको फ्रंट ओपनिंग रखनी है तो सेम आप इसी तरह से इसको कट कर लें, लेकिन मैं इसमें बैक ओपनिंग कर रही हूँ तो यहाँ से मैं कट कर दूंगी। यहाँ ऊपर हमारी एक डोरी आ जाएगी और नीचे हमारे हुक्स आ जाएंगे। देखिए अभी जो हमारा ये पार्ट है यहाँ तक हमारा विदाउट लाइन रहेगा, नीचे हम इसमें लाइनिंग डालेंगे। तो लाइनिंग के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है, तो अभी आपको बताती हूँ कैसे करना है। तो देखिए पहले कपड़े को इस तरह से सेट कर लें और बाद में इस पार्ट को आप रख लें इसके ऊपर। या आप एक पीस भी रख सकते हैं, दो पीस आगे पीछे आते हैं तो आप एक पीस रख लें जिससे सेट हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मुड्ढे पे हम लेते हैं, ऐसे आप देखेंगे तो 2 इंच यहाँ से ले लें। 2 इंच यहाँ से लेके लेने के बाद जो हमारा नेक है यहाँ से हम 1/2 इंच नीचे उतार देंगे। तो इसको ड्रॉ कर देते हैं। देखिए हमको ब्लाउज कट नहीं करना है, खाली नीचे का पार्ट कट करना है। तो हम इसको हटा देंगे तो नीचे भी हमारी लाइन ड्रॉ हो चुकी है और इस ड्रा में हम कट कर लेते हैं। साइड से जो बंद है इसको भी कट कर देते हैं। अभी मैं आपको सिलने का तरीका बताती हूँ। तो देखिए जो नीचे मैंने कपड़ा लिया है उसको ऐसे सीधा रखा है और मैंने लाइनिंग भी कट कर लिया है उसी ड्राफ्ट को रख के, और लाइनिंग इसके ऊपर रख दिया है। तो क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको स्टिच कर लेंगे और फिर इसको पलट देंगे। तो दोनों साइड के पीस हमारे इसी तरह से तैयार कर लेंगे। जब पीस तैयार हो जाएंगे और जो हमारा ब्लाउज है इसको देखिए इसके ऊपर इस तरह से आएगा। बाद में जब हमारा ये पीस तैयार हो जाने के बाद इस पीस को इस तरह से अटैच करेंगे। जब ये पीस अटैच हो जाएगा तो यहाँ पे हम हुक पट्टी काज पट्टी लगाएंगे दोनों साइडों में और फिर हम अपना जो नेक है इसको तैयार करेंगे। तो देखिए नेक तैयार करने के लिए मैंने ये क्रॉस में पट्टी कट कर ली है 1 इंच चौड़ी, और जैसे कि ये क्रॉस में पट्टी है तो इनको हम इस तरह से स्टिच करेंगे। जो कॉर्नर है इस तरह से अपोजिट आएंगे, तो इस तरह से एक लंबी पट्टी हम तैयार कर लेंगे। ऊपर वाले हिस्से में हम डोरी डालेंगे। तो देखिए जो लाइनिंग के साथ जैसे कि मैंने बताया था नीचे मैंने इस तरह से स्टिचिंग डाल दिया, फिर इसको इस तरह से पलट दिया, पलटने के बाद किनारे पे सिलाई डाल दी, तो ये पीस इस तरह से तैयार हो गए। अभी जो हमारा ऊपर का ब्लाउज है वो इस तरह से आएगा। इस ब्लाउज को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके ऊपर ही पहले स्टिच कर देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा स्टिच कर देंगे। या पहले पिन से सेट कर लें।
देखिए मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच कर दिया और इसको पूरा लाइनिंग के साथ में मैंने इसको इस पीस को सेट कर दिया। देखिए पूरी तरह से ये पीस हमारा सेट हो चुका है। इसी तरह मैं दूसरे साइड का पीस सेट कर लेती हूँ। तो देखिए ये मैंने दोनों पीस सेट कर दिए हैं। अभी मैं यहाँ पर पहले काज पट्टी हुक पट्टी लगाते थे, लेफ्ट साइड में काज पट्टी रहेगी और राइट साइड में हुक पट्टी। तो उसके लिए आप इस तरह से पीस कट कर लें और यहाँ से इस तरह से नीचे रखें। तो देखिए इस तरह से पीस है, इसको यहाँ पर फोल्ड कर लें और यहाँ पर स्टिचिंग डाल दें। तो देखिए मैंने जैसे कि इसमें काज पट्टी बनाई थी और राइट साइड में मैंने हुक पट्टी लगा दी है और नीचे जैसे फिनिशिंग देते हैं ऐसे फिनिशिंग दे दी है। और बाद में यहाँ पर तुरपाई करके इस सिलाई को निकाल दूंगी। तो यहाँ पे देखिए हुक काज पट्टी कुछ इस तरह से आएगी। अभी हम नेक को तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने क्रॉस में पट्टी कट की थी 1 इंच चौड़ी और इसको क्या करेंगे हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। और डबल करने के बाद पूरा शोल्डर से लेके इस नेक से लेके यहाँ से पूरा यहाँ तक हम स्टिच कर देंगे। उससे पहले मैं यहाँ पर डोरी लगाने वाली हूँ। तो ये मैंने रेडीमेड डोरी ली है, आप चाहें तो कपड़े की भी बना सकते हैं। तो डोरी को हम क्या करेंगे इसके अंदर ही जब पट्टी लगाएंगे उसके अंदर ही डोरी को सेट कर देंगे। देखिए जो ये पीस आगे पीछे उनको एक जैसा कर लें कट करके। तो देखिए ये मैंने इस तरह से स्टिच कर दिया। अभी हम क्या करेंगे इसको पलट के और यहाँ पे हम सिलाई डाल देंगे और इस यहाँ कॉर्नर पे आप डोरी को इस तरह से निकालेंगे तो ये कॉर्नर हमारा इस तरह से तैयार हो जाएगा। तो इसकी शेप इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। तो हम पहले इसको स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ से लेके पूरा इसको स्टिच कर दिया है और इसी तरह मैं दूसरे साइड का पीस तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद फिर हम यहाँ पर लेस लगाएंगे। तो देखिए मैंने ये दोनों पीस हैं तैयार कर दिए नेक के। तो देखिए इस तरह से ये दोनों पीस हैं। यहाँ पर जब हम पट्टी काज पट्टी इस तरह से लगा देंगे तो इस तरह से आएगा। अभी बेहतर लुक लाने के लिए मैंने लेस ली है, जो कि मैंने ये जो पीस हमने ज्वाइंट किया नीचे लाइनिंग एक यहाँ पर अटैच कर देंगे और दूसरा हमारा जो नेक है पूरा नेक से लेके नीचे से लेके पूरा कमर तक इसको स्टिच कर देंगे। तो देखिए ये मैंने लेस लगा ली थी जैसे कि बताया था पूरा नीचे कमर तक और इसी तरह मैंने दोनों साइड में लगा लिए। और जो हमने डोरी लगाई थी इसमें मैंने कपड़े के टसन बना लिए, आप चाहे तो रेडीमेड भी लगा सकते हैं। जब आप अगर इसकी फिटिंग दे देंगे तो आप देख सकते हैं इसका लुक किस तरह से आ रहा है। तो आप इस सब तरीके से सुंदर से नेक डिजाइन बना सकते हैं ब्लाउज के लिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।